रोहतासगढ़ है और रोहतासगढ़ का संबंध रोहिताश्व से है। रोहिताश्व राजा हरिश्चंद्र के पुत्र थे, ये सभी जानते हैं। हरिवंश पुराण में कथा है कि रोहित जब 12 वर्ष के हो गए तो इस स्थान पर आए थे और वहां इसको रोहितपुर के नाम से इसे बसाया और 6 वर्ष तक यहां पर रहे। इस दौरान जब बड़े हो गए तो उन्होंने एक जनजातीय कन्या से शादी की और खरवार मानते हैं कि हम उन्हीं के वंशज हैं। आज भी वो अपने को सूर्यवंशी क्षत्रिय ही कहते हैं। जो उराव जो द्रविणियन थे दक्षिण भारत से चले थे और वो भगवान राम की सेना में, जिसे हम लोग सुग्रीव कहते हैं, हनुमान कहते हैं, ये सारे लोग उराव हैं। ये कोंकण प्रदेश के रहने वाले थे और भगवान राम जब इधर से गए तो लेकर के लंका पर चढ़ाई की थी और जब लौटने लगे तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग छोड़ेंगे नहीं आपको। वो साथ चले तो कुछ लोग तो अयोध्या तक गए और कुछ लोग नर्मदा घाटी पकड़कर फिर सोन घाटी पकड़ करके इस रोहतासगढ़ पर आ गए। उनकी जब प्रबल हुई शक्ति तो खरवारों को निकाल बाहर किया और उनका जो है शासन स्थापित हुआ। तो ये नया किला ये उराओं के समय में शुरू हुआ था ये बनना, और बाद में 12वीं सदी में साहस धवल देव ने उराओं को धोखे से यहाँ से निकाल बाहर किया था। 1538 ईस्वी में शेर खां ने जो है इसको धोखे से विजित किया, इस किले को। उसके बाद मान सिंह यहाँ पर 1582 से लेकर के 1607 ईस्वी तक रहे जहांगीर के शासनकाल में। जब उनकी नौकरी दक्षिण कर दी गई तब यहाँ से गए। और आपसे बतलाएं कि कैमूर पहाड़ी उस समय यहाँ हाथियों के लिए प्रसिद्ध, हमारे पुराणों में आया है कि ये हाथियों के लिए बहुत प्रसिद्ध जगह थी। और उसके बाद इस पर जो है मुगलों का शासन चलता रहा। औरंगजेब के समय में इसको एक तरह से समझिए कि काला पानी जिसको कहते हैं, जिस तरह से वैसे ये फांसी घर के रूप में ये प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर वैसे कैदी जिनको फांसी दी जानी होती थी यहाँ पर रखे जाने लगे, उनको फांसी दी जाती थी। यातना गृह एक तरह से हो गया। तो इस तरह से इसके बाद अंग्रेजों ने इसको विजित किया। इस पर कासिम अली जो बंगाल का नवाब था वह भी, उसका भी शासन रहा। और उसके बाद अंग्रेजों ने कासिम अली से इसको ले लिया बक्सर युद्ध के बाद। गढ़ का यह जो है किला माघ पूर्णिमा के दिन में यहाँ सुनिश्चित किया गया है कि एक रोहतास तीर्थ यात्रा यहाँ हो। इस दृष्टि से यहाँ प्रत्येक वर्ष माघ पूर्णिमा में एक यात्रा दोनों, मतलब तीर्थ यात्रा के रूप में चलते हैं और यहाँ करके यात्रा के रूप में यहाँ पर परिवर्तित हो जाता है। 15 वर्ष इस यात्रा का हो गया है। Thank you.
देश भर के जनजातियों में खास करके उराव और खरवार जनजाति के लोग यहाँ पर अपना यह शासन स्थल मान करके यहाँ इस यात्रा को प्रारंभ किया। मुगलों के द्वारा इस देश के अंदर आक्रमण हुआ था, उस समय जो है उरगन ठाकुर ऐसा हमारे राजा का नाम हुआ करता था, उनके राजा की बेटी का नाम सिनगी देई, मुख्य सेनापति की जो बेटी थी उसकी कैली देई, इस प्रकार से नाम था। और यहाँ पर उन दिनों में जनी शिकार जैसा जो एक कथा कहानी आता है, तो मुगलों के समय में किस प्रकार से जो आक्रमण हुआ और हमारे जो वीर वीरांगनाएं माताएं बहनें किस प्रकार से मुकाबला करते हुए मुगलों को परास्त किया था, इन सारे बातों का तथ्य उस समय उसमें आता है। तो इसलिए जो है हमारे सभी लोग इस बात को स्मरण करते हुए यहाँ यात्रा शुरू किया।